हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू ऑल। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, खमा घनी वणकम। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से आपके पास फिर एज यूजुअल उसी तरह से ही रूटीन रहेगा। बच्चे, आप सभी के लिए 10th फॉर्म का ये लेसन, आप सभी की नज़र जो मैं आज आप सबको इंट्रोड्यूस आज आप सभी के समक्ष ट्रांसलेट करने चाह रहा हूँ। तो वॉल्ट व्हिटमैन क्या कहना चाहता, वॉल्ट व्हिटमैन हमें बताना चाहता है कि आज एक ह्यूमन बीइंग की बजाय इंसान एनिमल्स के शेल्टर में चला जाए तो उसको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। यही चीज वॉल्ट व्हिटमैन यहाँ कह रहा है कि उसे बड़ा एट ईज लगता है, कंफर्टेबल फील होता है जब वो किसी एनिमल्स बजाय ह्यूमन बीइंग की शेल्टर के। वो ह्यूमन बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान है, और परेशानी की बात भी है दोस्तों। देखिए, आज इंसान जिस सिविलाइजेशन के लिए अपने आप को एक बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता था, आज उनकी सभ्यता कहाँ चली गई, वो सभ्य वो सेंसिबिलिटी कहाँ चली गई। एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहा रहा है कारण अकारण, क्योंकि पेशेंस नहीं है। लेकिन एक जो एनिमल है वो हमें ये शिक्षा देता है कि हमें जिसके साथ अगर हमारा संबंध है, हमारा रिश्ता है, चाहे वो इंसानियत का है, हमें अपनी वफादारी को प्रूव करना चाहिए। यही चीज एनिमल करता है। घर में कुत्ता पाल लीजिए, वो भी एक वफादार होकर के रहता है अपने मालिक का, लेकिन इंसान इंसान का शत्रु बन गया। क्या उसकी आकांक्षाएं है तो आकांक्षाएं वो इतना एंबिशियस हो चुका है कि सिर्फ अपने उस महत्वाकांक्षी व्यवहार की वजह से दूसरों का सरेआम खून बहा देता है। पैसे की मांग करेगा, क्या उसको ब्लैकमेल करेगा, वो चाहे हम उसको किसी खूंखार व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, डकैत के रूप में देखे, चाहे चोर के रूप में देखे, चाहे उसको आतंकवादी के रूप में देखें। कहां गई वो इंसानियत? क्या भगवान ने इस दुनिया को इसीलिए बनाया था, क्या इंसान को इसीलिए बनाया था कि एक जानवर जो वहशी कहलाता है बुद्धि ना होने की वजह से? तो क्या हम सही हैं? क्या हम इंसान सही हैं? नहीं है। हम इंसान जिनके पास एक भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि से नवाजा है हमको, क्या हम उस सोच का प्रयोग करते हैं? नहीं, हम हमेशा अपनी ईगो में रहते हैं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं दुनिया को करके दिखाना चाहता हूं कि मेरे में इतनी पावर है। उस पावर को एक पॉसिबल जगह पे लगाना चाहिए, एक एक चीज को यूटिलाइज किया जाता है, ना कि उस पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। यही सब दिखाना चाहता है वॉल्ट व्हिटमैन इस एनिमल्स के माध्यम से, और कहना चाहता है ह्यूमन बिहेवियर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मनुष्य से ज्यादा बेहतर जानवर है, क्योंकि जानवर कभी किसी चीज का दावा नहीं करता, छोटी छोटी चीजों पर रोता नहीं, वो ना किसी पाप के लिए पछताता है, वो कुछ ऐसा नहीं करता कि जिसके लिए उसको पछताना पड़े। लेकिन ह्यूमन बींग सब करता है, वो एक वहशी दानव हो चुका है, एक वहशी जानवर बन चुका है जो अपने ही भाई बंधुओं का खून बहाने पर तुला है, उसको लूटने पर तुला हुआ है। तो क्या ये इंसानियत है? क्या ये सिविलाइजेशन है? तो चलिए जानते हैं इस पॉइम के माध्यम से 10th फॉर्म, और आपका ये पॉइंट जो है एनिमल्स वॉल्ट व्हिटमैन एज यूजुअल मेन पॉइंट्स आर शॉकिंग सरप्राइज दैट वॉल्ट व्हिटमैन फील्स मोर विद एनिमल्स देन विद द ह्यूमन बीइंग्स। यही बताना चाहता है कि पशुओं के साथ वो ज्यादा आरामदारी महसूस करता है बजाय मनुष्य के। एंड एज यूजुअल आई हैव रिटन अ वैरायटी ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड आई एम गोइंग टू रीड और ट्रांसलेट दिस पॉइंट English into Hindi. Animals, watch it well. I think I could turn. मैं सोचता हूं मैं अपने आप को बदल पाऊं और लिव विद एनिमल्स, और मैं जो है पशुओं के साथ रहूं। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स पीस, काम, वो कितने संतुष्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई हैव रिटन हियर इट इज सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपने आप पर निर्भर है, वो कितने विनम्र है, जेंटल है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हो जाता हूँ काफी लंबे लंबे समय तक उन पशुओं की तरफ देखता रहता हूं, और कभी क्या करता है, कंपैरिजन करता रहता है कि ये देखो ये पशु है और हम इंसान हैं, तो हमारे में ऐसे इंसानियत वाली कोई चीज है नहीं जिसे हम अपने आप को इंसान कहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड हाइम अबाउट देयर कंडीशन। हाइम, हाइम मीन्स हियर इट मीन्स कंप्लेन, क्राई इन पेन। स्वेट हियर इट मीन्स टॉयल और ओवरवर्क देमसेल्व्स, मेहनत करना, ओवरवर्क करना और दर्द में चिल्लाना। They do not sweat. वो क्या करते हैं? Overwork themselves. वो खुद अपना काम करते हैं। And रोते नहीं about their condition, अपनी स्थिति के बारे में। Do not lie awake in the dark. वो अंधेरे में कभी भी लेटे नहीं रहते, जागते हुए सोए नहीं रहते। Weep for their sins. अपने पापों के लिए रोते नहीं। They don't make me sick discussing their duty to God. और वो ना ही मुझे इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि उनके भगवान के प्रति जो एक ड्यूटी है उसके बारे में डिस्कस करते हुए वो मुझे
परेशान नहीं करते. नोट वन इज डिससैटिस्फाइड, नोट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ऑनिंग थिंग्स. दिस इज फॉर द ह्यूमन बींग्स. डिमेंटी मीन्स मैड, इनसेन, पागल. पागल मैनमैन मीन्स मैडनेस, पागलपन. ऑनिंग मीन्स पजेसिव, हर चीज पर आधिपत्य स्थापित करना. ये मेरी है, ये मेरी है. अपना हक जताना, उस हक को जताते हुए दूसरे का खून तक कर देना, दूसरे के साथ मारपीट तक कर देना. नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, इनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है. नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ऑनिंग थिंग्स. मैनिया, मैनिया मीन्स मैडनेस, पागल. अपनी चीजों का हक दिखाने का उनका कोई पागलपन नहीं है जैसे वुमन बीइंग करता है. नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई एक दूसरे के सामने नहीं झुकता. नॉट टू हिज काइंड, और ना ही किसी में कोई ज्ञानता है. दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो, जो हजारों सालों पहले रहते हुए थी. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी पृथ्वी पर ना ही कोई आदरणीय है और ना ही कोई खुश है. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए वो मेरे साथ वो रिश्ता दिखाते हैं. आई एक्सेप्ट देम, वो मेरे साथ एक अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, मेरे साथ एक वफादारी लॉयलिटी शो करते हैं, इसलिए मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन्स सहानुभूति का प्यार, और वो मैं मुझे मेरे लिए एक सहानुभूति बड़ा प्यार लाते हैं. दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पजेशन. इवेंस हियर इट मीन्स इवेंस शो. Events means show. They show them plainly in their possession. और एक सामान्य, एक आम लोगों की तरह अपने आप को दिखाते हैं, अपने आधिपत्य को दिखाते हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. मुझे हैरानी है कि वो ये प्यार भरी सहानुभूति का टोकन कहाँ से लेते हैं, ये एक मार्क कहाँ से लेते हैं. Did I pass that way huge times ago and negligently broken? क्या मैंने काफी लंबे समय हो गया उस रास्ते से गुजर गया एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर मैंने अनदेखा कर दिया उनको, चीजों को अनदेखा करते हुए छोड़ दिया. आखिर ये सब क्या है? वॉल्ट शिटमैन यही कहता है कि आज के इंसान से अगर ज्यादा वफादार है, दैट्स ओनली एनिमल. इंसान इंसान के प्रति वफादार नहीं रहा, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाओं ने उसे एक भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते भागते इतना अंधा कर दिया है कि वो पशुओं से भी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं. तो इंसानियत का एक जो रिश्ता है, ह्यूमैनिटी है, उसको जिंदा रखिए. क्योंकि आज कोई भी पेरेंट्स है, हर कोई यही सोचता है मुझे मेरे बच्चे को वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये बनाना है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि एक अच्छा नागरिक बनाना है. क्योंकि एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा अध्यापक बन पाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, एक अच्छा नागरिक बन पाएगा. जब वो अच्छा हो जाएगा तो उसका लक्ष्य उसकी तरफ भाग जाएगा. सो ये पॉइंट बहुत ही अच्छी एक प्रेरणादायक पॉइंट है हम सभी के लिए. Till then, thank you.